नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्ट्रेचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में ब्लाउज का गला बनाकर दिखाएंगे, सुंदर और सरल, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप देख लेते हैं। लंबाई है इसका 13.5 इंच, तो 13.5 इंच में हम ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे, नीचे मार्जिन हम नहीं लेंगे, इसलिए कि हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। चेस्ट है इसका 36 इंच, तो 1.25 इंच हम साइड में छोड़ देंगे और 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच पे, और गले की चौड़ाई जो है उसको हम लेंगे 2 इंच 5 सूत, और गले की गहराई जो है लेंगे 9 इंच पे। तो इस तरीके से मेजरमेंट है इसका। आर्म होल हम देख लेते हैं इसका, 5 इंच पे आर्म होल का कटिंग हुआ है 36 साइज के लिए। तो इसको हम निकाल देंगे गले वाले, और नीचे वाला हिस्सा जो है उसी पे हमें डिजाइन बनाना है। तो इसको किस तरीके से डिजाइन बनाना है दोस्तों, आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका हम जो डिजाइन बनाएंगे डोरी का, वो डोरी हम पहले पलट कर आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से इसका हम डोरी को सिलाई लगाकर पलट लेंगे। ये डोरी हमें कम से कम 1.25 इंच का होना चाहिए फैब्रिक, और हम 1/2 सेंटीमीटर मार्जिन लेते हुए इसको पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे अच्छे से। आपको जिस तरीके से सुविधा हो ऐसे पलट सकते हैं। उसके बाद इसको प्रेस लगा लें। प्रेस लगाने से क्या होगा कि अच्छा से बैठ जाएगा फैब्रिक। हम डोरी बनाकर रखे हुए हैं उसी तरीके से। अब आपको हम इसका डिजाइन बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से इसका डिजाइन बनाना है। तो ये योग जो निकला हुआ है इसी के थ्रू हमें बनाना है, इसी के कंप्लीट करना है। तो अगर आपको सिंपल बनाना है, सीधा बनाना है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना होगा। हमें इसको क्रॉस में बनाना है, तो क्रॉस में बनाने के लिए फैब्रिक ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम इसमें 2.5 इंच 2.75 इंच डोरी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो जितना आपका डोरी है उतने साइज का स्क्वायर में आप एक पेपर ले लें इस तरीके से। दोनों तरीके तरह से बैठ जाना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक एक डोरी दोनों कलर में से हम लेंगे इस तरीके से। हम एक एक डोरी लगाते जाएंगे, और जब हम बीच में आएंगे इसके, तो हम एक ही कलर का दो डोरी लगाएंगे। जैसे रेड रेड डोरी है, तो एक ही कलर का हम दो डोरी लगाएंगे बीच में। वो किस लिए लगाएंगे, ताकि उसका डिजाइन का लूप जो है वहां पे चेंज हो जाएगा। तो आपको इसमें डिजाइन, दो डिजाइन दिखेगा इसमें बनने के बाद। तो इस तरीके से हम दो डोरी वहां एक्स्ट्रा लगाए हैं रेड कलर का। तो आप इस तरीके से पूरे फिनिश कर लें, यहाँ पर पैच कर लें। और यहाँ ध्यान दें, जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ पे जो हम रेड उधर लगाए हैं, तो यहाँ भी रेड ही होना चाहिए। इसको हम नहीं लगाएंगे, रेड हो गया यहाँ। 8 इधर है 8 उधर है, और बीच में जो है 2 रेड कलर का है। तो इसी तरीके से हम जब दूसरे इसके साइड में बिनेंगे, जैसे बुनाई करेंगे, तो वहां पे हम 2 डोरी एक्स्ट्रा लगाएंगे एक कलर का। और किस तरीके से बुनना है हमें, आप इसमें देखें वीडियो में, बहुत आसान तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें से एक एक को उठाएंगे और एक एक को दबाएंगे इसमें से, इस तरीके से। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। उसके बाद हम इसको कट इन कर लेंगे इस तरीके से। हम इसको बुन लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी डोरी को बुन लेंगे,
और बुनने के बाद इसका डिजाइन जो है बिल्कुल अलग अलग दिखेगा साफ। हम इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए कपड़े बनाते हैं, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, लेडीज सलवार सूट, फ्रॉक, हर चीज, हर आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मूले से, ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन इसका डिजाइन दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका लुक भी अलग दिख रहा होगा। इधर आधे साइड में जो है आपका लुक दूसरा दिख रहा होगा और आधे साइड में दूसरा लुक दिख रहा होगा। वो क्यों दिख रहा है? तो सिर्फ हमें बीच में जो डोरी हम चेंज किए हैं, एक ही कलर का लगाए हैं, इसलिए। तो इसी तरीके से हम पूरा बुन लेंगे तो और बेहतरीन इसका डिजाइन दिखेगा। तो इस तरीके से आप बुन सकते हैं। और ये भी हम बताए थे आपको कि अगर आपको शॉर्ट कट में बनाना है, जैसे सीधा में बनाना है स्क्वायर में, तो आपको कम बनाना पड़ेगा, छोटा डोरी बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसका डिजाइन आप देख रहे होंगे कि इस कोने पर तीन चारों कोने पर अलग अलग दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से बैठा लें उसको। बैठाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलाई लगा लें चारों तरफ से किनारी पे, ताकि कटिंग करने में डिजाइन खुल ना जाए। तो इस तरीके से आप चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए। हम इस चैनल पे इतने आसान तरीके दिखाते हैं ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाए। और जहां दिक्कत वाली डिजाइन होती है, वहां पे मैं वीडियो बिल्कुल स्रोत दिखाता हूं। तो इस तरीके से आप स्टिच कर लें, सिलाई लगा लें चारों तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कटिंग कर लेंगे। जो हम बैक से योग निकाले हैं उसी पे रख के कटिंग कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा बचे का डिजाइन जो हमारा बना हुआ है, उसको भी हम यूज में लाएंगे। ये देखिए, अगर चाहें तो आप सीधा बना सकते हैं। तो सीधा बनाने के लिए बताए थे कि आपको छोटा डोरी बनाना पड़ेगा, और ये बड़ा हम इसलिए बनाए हैं कि हमें स्क्वायर में, यानी कि तिरछा, इस तरीके से हमें बनाना है डिजाइन। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा वेस्टेज जाएगा। तो वेस्टेज जो जाएगा उसको भी हम यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, जब हम इसका बाजू बनाएंगे, यानी कि आस्तीन बनाएंगे, तो आस्तीन में हम इसको यूज कर लेंगे जो बचेगा उसका। और यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम मार्जिन नहीं लेंगे, और साइड में हमें मार्जिन लेना होगा 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड में 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ऊपर नीचे हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि ऊपर नीचे हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। तो पाइपिंग से फिनिश करने में मार्जिन नहीं जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको फिनिश कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं, और ये हम कटिंग कर दिए। जो ये बड़ा वाला हिस्सा निकल रहा है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, स्लिप जो बनाएंगे उसमें हम डिजाइन बनाएंगे उसका। तो इस तरीके से अच्छे से कटिंग कर लें। उसके बाद एक साइड में जो है उसको पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से पाइपिंग बनाते समय पहले पाइपिंग को आप कच्चा कर लें, उससे क्या होगा कि आपका पाइपिंग बहुत अच्छा बन जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से पाइपिंग को नॉर्मल हाथ से चढ़ा दें, ज़्यादा खींचना नहीं है इस यहाँ पे। यहाँ पे हमें मार्जिन झाड़ देना होगा, एक सूत से कम ही मार्जिन रखेंगे, इसलिए कि ये मार्जिन मुड़ता नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे मोटा होता है वहाँ पे मार्जिन झाड़ कर ही पाइपिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बनाने के बाद इसमें हम ऊपर एक डिजाइन बनाएंगे बहुत बेहतरीन दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये डिजाइन बनाएं, बहुत ही
सुंदर डिजाइन है दोस्तों। अब इसका हम आपको डिजाइन बनाकर दिखाते हैं, डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। ये डिजाइन बनाने के लिए हम एक और तरीका दिखाए हैं आपको, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ब्लाउज में बनाए हैं वो भी गले पे। तो उसको जो हम बनाए हैं उसको धागा से बांध कर ये डिजाइन बनाए हैं, और ये डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ सिंगर से ही बनाकर, यानी कि सिलाई करके दिखा रहे हैं इसको। तो इस तरीके से डिजाइन फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लें आप। ये बहुत शॉर्टकट का आइडिया है दोस्तों, और बहुत जल्दी बनने वाला है। तो इस तरीके से आप उसको फोल्ड कर लें, जितना ही फोल्ड आपका टाइट होगा उतना ही डिजाइन आपका बेहतरीन बनेगा। इस तरीके से बनाने के बाद आप सिलाई से उसको बांधते। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरीके से हम इसका डिजाइन बना दिए हैं, और दो डिजाइन बिल्कुल स्लो में आपको बनाकर हम दिखा दिए। अब यहां हम पैच कर लेंगे इसको। इस तरीके से हम यहां पैच कर लेंगे। इस तरीके से हम पैच कर लेंगे दोस्तों, और पैच करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, नीचे इस डिजाइन के नीचे जो है एक हम फैब्रिक लगाएंगे जो सीधा तार में होगा। जैसे ये उरे तार में आ गया तो ये बांधने के बाद क्या होता है कि ये खुल जाएगा, जैसे आप यहां पे फुलनेस आ जाएगा। तो इसलिए आप एक सीधा फैब्रिक में सीधा तार में नीचे इसके इसी के साइज का आप जैसे हम लाइनिंग लगाते हैं इस तरीके से आप इसमें लाइनिंग पैच कर दें। लाइनिंग पैच करने के बाद इसका हम आगे क्या करना है आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों लाइनिंग जो लगाए हैं वो इस वीडियो में छूट गया है, कट गया है, तो आप ये ना समझें कि इसमें लाइनिंग नहीं है, लेकिन इसमें लाइनिंग अवश्य लगाएं। तो लाइनिंग लगाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि पहनने के बाद ये फुलनेस इसमें ना आए। अगर इस तरीके से आप छोड़ देते हैं पेपर निकाल देने के बाद क्या होगा कि वहां पर डिजाइन जो है वो फूलने लगेगा। तो इतना करने के बाद आप इसमें लाइनिंग पहले पैच कर लें, उसके बाद इसका काम आगे बढ़ाएं। तो हम इसका वीडियो जो था जो हम लाइनिंग पैच किए हैं वो कट गया है इसमें से, तो इसलिए हम आपको ध्यान दिला देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम पहले फ्रंट को जो फ्रंट में हम बनाना होता है डॉट आउट उसको बना लिए हैं, और इसका हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद बैक का और फ्रंट का गला पाइपिंग जो है वो साथ साथ फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाने से ब्लाउज में सफाई ज़्यादा आता है। तो कभी भी आप बनाएं तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद ही पाइपिंग फिनिश करें। लैस भी से अगर आपको गला बनाना है तभी पहले लैस लगाने के बाद बैक गला बनाने के बाद शोल्डर ज्वाइंट कर लें, उसके बाद ही वो उस पर लैस लगाएं गले पे। इसको हम यहां पैच करेंगे पाइपिंग लगाने के बाद। अब इसका हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो पाइपिंग तो आपको पता ही है कि 1.5 इंच पाइपिंग होना चाहिए, तो आप 1.5 इंच का पाइपिंग कटिंग कर लें उरेप में यानी कि वाइस में, और इस तरीके से उसको पहले एक बार फोल्ड कर लें। फोल्ड करने से क्या होता है कि गला का पाइपिंग जो है अच्छे से फिनिश होता है, अच्छे से बैठ जाता है। तो एक बार इसको कच्चा सिलाई लगा लें, उसके बाद इसको हम गला के पाइपिंग बनाकर आपको दिखा देते हैं और किस तरीके से बैच को फिनिश करना है, ये सब आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। यहां हम जिधर हम बटन लगाते हैं उस साइड में हम अभी पट्टी नहीं लगाए हैं, जो बटन पट्टी होता है, और काज जिधर करते हैं जिधर हुक लगाते हैं उधर हम पहले ही फिनिश कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि पाइपिंग हमारा वहां ठोका पहले ही बन जाएगा, और बटन वाले जो है उसको हम
पाइपिंग फिनिश करने के बाद हम वहां पे पक्का कर लेंगे बटन टिक को। तो ये सब तजुर्बा होता है दोस्तों काम करने का। काम तो सभी करते हैं लेकिन सफाई हर किसी के काम में आपको नहीं दिख पाएगा। तो सफाई से काम करने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर देखें। तो इस तरीके से आप पाइपिंग को पक्का कर लीजिए। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को पक्का कर लेते हैं। पाइपिंग को पक्का करने के बाद हम इसमें आपको दिखाएंगे कि बैग को कैसे हम योग को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरे साइड का भी पाइपिंग को पक्का कर लेते हैं। पक्का करने के बाद हम इसका बैक का योग फिनिश करके दिखाएंगे आपको। आप देख रहे होंगे दोस्तों पाइपिंग का फिनिशिंग कितना अच्छा आ रहा है। तो पाइपिंग का फिनिशिंग ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल गोल होना चाहिए। और जितना से जितना आप बारीक पाइपिंग लगाएंगे उतना ही बेहतरीन होगा, सुपर होगा, अच्छा होगा। और पाइपिंग पक्का करते समय कभी भी आपको धागा वही यूज करना होगा जो बॉडी का कलर है। तो ये देख रहे होंगे पाइपिंग कितना अच्छा से बैठ गया। अब इसको योग को हम बैक योग जो है उसको फिनिश करेंगे। तो यहां हम 1 सेंटी जो मार्जिन छोड़े थे इसमें उतना ही मार्जिन हम लेते हुए इसको पैच कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन डिजाइन आपको दिख रहा है, बिल्कुल नया डिजाइन है ये। तो इस तरीके से यहां भी हम पैच कर लेंगे। मार्जिन हम 1 सेंटी ही लेंगे इसमें योग में। यहां अच्छे से आप टांकी बांध दीजिए ताकि वहां से खुल ना पाए कभी। तो इस तरीके से आप बना लें बिल्कुल कंप्लीट। अब यहां हम क्या करेंगे, नीचे पाइपिंग से हम फिनिश करेंगे। तो यहां भी हम पहले पाइपिंग को एक सिलाई से बैठा लेंगे, उसके बाद ही हम पाइपिंग को फिनिश करेंगे, पक्का कच्चा करेंगे। यहां भी हम नॉर्मल हाथ से लगाएंगे, ज्यादा पाइपिंग को नहीं खींचेंगे। पाइपिंग को हम ज्यादा कहां खींचते हैं, जहां पे उरे फैब्रिक नीचे होता है, जहां पे खड़ा हो वहां बिल्कुल नहीं खींचते हैं, और जहां पे आड़ा हो वहां पे भी हल्का नॉर्मल ही खींचते हैं, बिल्कुल हल्का। यहां हम मार्जिन झाड़ देंगे, जहां पे मोटा फैब्रिक है वहां पे मार्जिन झाड़ देंगे, उसके बाद ही पाइपिंग को हम पक्का करेंगे। जहां पे पतला फैब्रिक है वहां झाड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां के फैब्रिक जो है फोल्ड हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों सफाई से काम करने के लिए। तो इस तरीके से यहां भी हम
पाइपिंग को पक्का कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पाइपिंग को पक्का कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसका पाइपिंग भी फिनिश कर लिए। तो आप इस ब्लाउज का लूप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन दिख रहा होगा।